हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं हैलोजनेशन यानी हैलोजनीकरण के बारे में। जब आप अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हम कराएंगे अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एसिड या बेस की प्रेजेंस में हैलोजन के साथ, तो होगा क्या कि उसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है वो प्रतिस्थापित हो जाएंगे, वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे हैलोजन एटम के द्वारा। और यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि हैलोजन के साथ ये रिएक्शन जो हम कराते हैं, ये हम कराते हैं एसिड या बेस की प्रेजेंस में अम्ल या क्षार की उपस्थिति में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं पहला केस। फर्स्ट केस क्या लिया मैंने यहाँ पर ये लिया है क्षार की उपस्थिति में, यानी इन प्रेजेंस ऑफ बेस। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, अगर आप ये रिएक्शन क्षार की उपस्थिति में आप कराएंगे तो इस कंडीशन में यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा पॉली हैलोजिनेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पॉली हैलोजनीकरण की प्रक्रिया होगी। ये पॉली हैलोजनेशन होता क्या है कि जो एल्डिहाइड या कीटोन में जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो एक एक करके प्रतिस्थापित हो जाएंगे हैलोजन एटम के द्वारा, हैलोजन परमाणु के द्वारा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पॉली हैलोजनीकरण के एग्जाम्पल के बारे में, तो यहाँ अगर आप पॉली हैलोजनेशन का एग्जाम्पल है तो ये एग्जाम्पल है यहाँ पर हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म अभिक्रिया, ये हो गया पॉली हैलोजनेशन, पॉली हैलोजनीकरण का एग्जाम्पल। तो यहाँ जो केमिकल रिएक्शन है किस प्रकार से होगी उसके बारे में अब यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये लिखा इस प्रकार से CH3 और ये हो गया यहाँ पर CHO। और आप जानते हैं कि जो ये CH3CHO है इसको हम कहते क्या है, ये होता है एसीटैल्डिहाइड, ये इसका नाम है। और एल्डिहाइड ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं वो कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसमें आप देख रहे हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन है उनकी संख्या 3 है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले आप कराएंगे किसके साथ, Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ। और जब आप यहाँ रिएक्शन कराएंगे Cl2 के साथ तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, इसका तो एक अल्फा एच, इसका एक Cl, ये तो यहाँ निकालेगा HCl। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कितने एच बचे, 2, और यहाँ बचा एक Cl, तो यहाँ पर जो आपने H हटाया है वो तो हो गया एक H हो गया कम, यहाँ आ गया कौन, एक Cl, और यहाँ देखिए आगे लगा हुआ कौन है, यहाँ लगा हुआ है CHO। जो मैंने यहाँ पर ये लिखा इसको अगर आप चाहें तो आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, C के पास 2 H बचे हैं और यहाँ पर एक Cl है, और ये हो गया यहाँ पर मोनो क्लोरो एसीटैल्डिहाइड। अभी भी अगर आप देखें एल्डिहाइड ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा, इसमें अभी भी क्या है, 2 अल्फा H अभी भी है। इसका नाम मैंने क्या बताया था आपको, इसका नाम मैंने बताया था मोनो क्लोरो एसीटैल्डिहाइड। अब जो यहां पर ये बना है इसमें अभी भी 2 अल्फा H है, इसकी रिएक्शन वापस आप यहां कराएंगे Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ। अब क्या होगा, इसका एक अल्फा एच, इसका एक Cl, ये वापस यहाँ पे क्या निकालेगा, HCl। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक H बचा है तो कार्बन के पास तो बचा केवल एक H, यहाँ एक Cl पहले से है, एक Cl और आ जाएगा तो ये हो गया यहाँ पर Cl2, और आगे आप जानते हैं लगा हुआ क्या है CHO। अब आप जानते हैं जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है इसके पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा, इसमें कितने अल्फा एच है, इसमें अभी भी एक अल्फा एच है, इसका नाम क्या होगा, ये हो जाएगा डाई
क्लोरो एसी टर्डी हाइड। अब क्योंकि इसमें अभी भी एक अल्फा एच बाकी है, इसकी वापस आप यहां कराएंगे रिएक्शन क्लोरीन के साथ, तो होगा क्या? अब वापस क्या होगा, इसका एक एच, इसका एक सीएल, ये वापस यहां पे क्या निकालेगा, एच सी एल निकाल देगा। अब यहां पे क्या हो गया, यहां पर हो जाएंगे तीन सी एल, यहां कार्बन के पास अब एक भी एच बाकी नहीं है, और ये लगा हुआ है यहां पर सी एच ओ। और आप जानते सी एच ग्रुप के पास और कार्बन क्या होता है, अल्फा। और जो यहां पर ये बना है इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम नाम देंगे ट्राई क्लोरो एसी टर्डी हाइड। और जो ये ट्राई क्लोरो एसी टर्डी हाइड है इसको हम कहते क्या है, इसी को हम कहते हैं क्लोरल। यहां तक आपने देखा कि जितने भी अल्फा एच थे एक एक करके यहां पर रिप्लेस हो गए, प्रतिस्थापित हो गए हेलोजन एटम के द्वारा। अब आप जानते हैं यहां पर हम ले रहे हैं क्षार की उपस्थिति में क्या होता है वहां पर, पॉली हेलोजनीकरण। अब यहां पर होगा क्या कि यहां पर जो ये बना है ट्राई क्लोरो एसी टर्डी हाइड या क्लोरल, इसकी रिएक्शन आप यहां कराएंगे NaOH के द्वारा, और ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, तो यहां पर आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा CHCl3। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म, और साथ में आपको यहां मिलेगा HCOONa, जिसे हम कहते क्या है, सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। और ये रिएक्शन कौन सी होती है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। और आप देख रहे हैं कि यहां बेस की प्रेजेंस में हुआ क्या, पॉली हेलोजिनेशन, पॉली हेलोजेनीकरण का प्रोसेस हुआ। और ये तो आपका हो गया पहला पॉइंट, क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया। यहां पर हम बात करेंगे बी पॉइंट के बारे में, यहां तो लिया था आपने क्षार की उपस्थिति में। अब यहां पर जो हम बात करेंगे वो हम लेंगे यहां पर अम्ल की उपस्थिति में इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी एसिड की प्रेजेंस में यहां पर ये जो रिएक्शन है ये किस प्रकार से होगी। तो यहां तो आपको ध्यान है यहां तो हुआ था पॉली हेलोजिनेशन, लेकिन जब आप एसिड की प्रेजेंस लेंगे तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे यहां पर होगा मोनो हेलोजिनेशन। और जो ये मोनो हेलोजिनेशन है इसको हम हिंदी में कहते क्या है, इसको हम कहते हैं मोनो हेलोजनीकरण कहते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर आप यहां पर किसी एडिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा एच प्रेजेंट है की रिएक्शन आप कराओगे हेलोजन से एसिड की प्रेजेंस में, तो उसमें एकमात्र केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा हेलोजन एटम के द्वारा। अब यहां पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो देखिए मैंने यहां पर ये लिया, सबसे पहले ये लिखा मैंने यहां पर CH3 और ये हो गया यहां पर CHO। ये जो लिया है आपको ध्यान है ये होता क्या है, इसका नाम होता है एसीटैल्डिहाइड। और जो ये एसीटैल्डिहाइड है इसमें से एल्डिहाइड ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा। अब यहां पर मान लिया आपने जो हेलोजन ले लिया वो ले लिया आपने क्लोरीन Cl2, और यहां आपको ध्यान है कि ये रिएक्शन हम कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में, और यहां आप जो लेंगे एसिड वो लेंगे आप यहां पर CH3COOH, यानी एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में करेंगे। और आपको मैंने बताया क्योंकि यहां पर आपने एसिड लिया है तो इस रिएक्शन में होगा क्या, मोनो हेलोजिनेशन, यानी केवल एक ही हेलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस होगा कौन, अल्फा हाइड्रोजन। तो जब यहां से एक एच कम हो जाएगा तो ये तो यहां पर बचेगा CH2, क्योंकि आप जानते इसका तो एक Cl, इसका एक एच, ये तो यहां पर निकालेगा क्या, ये तो निकालेगा HCl। अब यहां पर एक एच कम हो गया तो ये हो गया CH2, और यहां पर एक Cl जोड़ दोगे आप और आगे लगा बचेगा कौन, आगे बचेगा यहां पर CHO एल्डिहाइड ग्रुप। और आप जानते हैं एल्डिहाइड ग्रुप के पास कार्बन क्या होता है,
अल्फा क्या लगा हुआ सी एल, तो ये कहलाएगा क्या, ये हो जाएगा अल्फा क्लोरो एसीटैल्डिहाइड, ये यहां पर इसका नाम हो जाएगा। यानी केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा हेलोजन एटम के द्वारा। दूसरा एग्जांपल है यहां पर, तो देखिए मैंने यहां पर ये लिखा CH3, ये हो गया CHO, इसका नाम आपको ध्यान है ही, इसको हम कहते हैं एसीटैल्डिहाइड, और इस ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या होता है अल्फा, इसमें भी कितने अल्फा एच है 3। अगर मान लिया यहां पर आपने लिया हेलोजन कौन सा, ब्रोमीन ले लिया Br2, ये रिएक्शन भी आप यहां करेंगे एसिड की प्रेजेंस में, और मान लिया यहां पर जो एसिड लिया वो लिया आपने CH3COOH यानी एसिटिक एसिड ले लिया। अब होगा क्या, इसका तो एक अल्फा एच, इसका एक Br, ये तो यहां पर निकालेगा क्या HBr निकालेगा। अब यहां बचा क्या, यहां पर एक एच हो गया कम, तो ये बचा CH2, यहां जोड़ दिया आपने किसको Br को, आगे बचा कौन है CHO एडिहाइड ग्रुप, एडिहाइड ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है अल्फा, और ये कहलाएगा क्या अल्फा ब्रोमो एसीटैल्डिहाइड, ये यहां पर आपको प्राप्त होगा उत्पाद के रूप में। इस केमिकल रिएक्शन में आप एक बात ध्यान रखेंगे, अगर यहां पर एसिड की प्रेजेंस में अगर आप हेलोजन को एक्सिस में लेंगे, हेलोजन को आधिक्य में लेंगे, तो डाई और ट्राई प्रतिस्थापित उत्पाद निर्मित होते हैं। ये कंडीशन यहां पर अप्लाई कब होगी, जब आप ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में कराओगे आप हेलोजन के एक्सिस में, हेलोजन के आधिक्य में। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसका नाम है कैनिजारो अभिक्रिया तथा क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो रिएक्शन एंड क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। और ये जो कैनिजारो रिएक्शन है और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और आप ध्यान रखेंगे कि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद हमारी जो अगली रिएक्शन है उसका नाम है टिशेंको अभिक्रिया, टिशेंको रिएक्शन। और जैसा कि आप जानते हैं ये केमिकल रिएक्शन भी पहले हम पढ़ चुके हैं, और आप ध्यान रखेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन भी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और आप पूरे चांस हैं कि इन दोनों रिएक्शन में से इस साल आपको बोर्ड के एग्जाम में एक रिएक्शन तो 100% आपको मिलेगी ही। अब यहां पर हम बात करेंगे एडिहाइड व कीटोन में भिन्नता के बारे में, डिससिमिलरिटीज बिटवीन एडिहाइड एंड कीटोन। तो यहां देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है सीरियल नंबर क्रम संख्या, यहां हम बात करेंगे टेस्ट के बारे में जिनके आधार पे हम एडिहाइड कीटोन में डिफरेंशिएट करेंगे, और यहां एडिहाइड के बारे में, और यहां हम लिखेंगे कीटोन के बारे में। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहां लिखा नंबर 1 क्रम संख्या 1, जो सबसे पहला टेस्ट है उसका नाम है टॉलेन टेस्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं टॉलेन परीक्षण। और एक बात आप जानते हैं टॉलेन परीक्षण में होता क्या है कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो तो क्या करते हैं रजत दर्पण, जिसको हम कहते हैं सिल्वर मिरर, निर्मित करते हैं सिल्वर मिरर बनाते हैं, कौन एल्डिहाइड। लेकिन जो कीटोन होते हैं वो इस रिएक्शन को नहीं दर्शाते, इस परीक्षण को नहीं दर्शाते। तो ये हो गया आपका पहला मेथड जिसके बेस पर आप एल्डिहाइड या कीटोन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या बताया, टॉलेन टेस्ट में होगा क्या, जो एल्डिहाइड होंगे वो तो सिल्वर मिरर
रजत दर्पण का निर्माण करेंगे, लेकिन कीटोन जो होते हैं वो कोई रिएक्शन नहीं दर्शाते, कोई क्रिया नहीं दर्शाते टॉलेन अभिकर्मक के साथ, और इस टेस्ट को हम कहते हैं टॉलेन टेस्ट। अब यहाँ पर हम साइकिल लेने जा रहे हैं, सीरियल नंबर सेकंड, और यहाँ लिया आपने क्या, यहाँ मान लिया आपने ले लिया फेहलिंग सॉल्यूशन कहो या फेहलिंग टेस्ट कहो। तो यहाँ जो फेहलिंग टेस्ट है, फेहलिंग परीक्षण है, या हम कहें फेहलिंग उलेन के साथ अभिक्रिया के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो एडिहाइड होते हैं ये तो Cu2O का लाल अवक्षेप रेड प्रेसिपिटेट देते हैं, कौन एल्डिहाइड। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो एल्डिहाइड होंगे वो क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट देंगे, लाल अवक्षेप देंगे। लेकिन जो कीटोन होते हैं इस केस में भी आप ध्यान रखेंगे नो रिएक्शन, कोई भी क्रिया को नहीं दर्शाते फेहलिंग अभिकर्मक के साथ। तो ये तो आपके मैंने टॉलेन टेस्ट और फेहलिंग टेस्ट दो टेस्ट बताए हैं, दोनों में ही आप देख रहे हो एडिहाइड दर्शा रहे हैं और कीटोन नहीं दर्शाते। अब यहां पर हम थर्ड पॉइंट लेने जा रहे हैं, वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन, रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और यहां पर एक बार ध्यान रखेंगे कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा रिड्यूस होकर 1 डिग्री एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल निर्मित करते हैं। यानी ये क्या देंगे, यहां पर एल्डिहाइड तो देंगे, 1 डिग्री एल्कोहल देंगे, प्राथमिक एल्कोहल देंगे, लेकिन कीटोन में आप ध्यान रखेंगे कि जो कीटोन होंगे वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा रियूज होकर जो कीटोन होते हैं वो देते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, यानी द्वितीयक एल्कोहल निर्मित करते हैं। ये दर्शाते हैं कौन, कीटोन तो देंगे 2 डिग्री एल्कोहल और जो एल्डिहाइड है वो देगा क्या, 1 डिग्री एल्कोहल निर्मित करेगा। इसके बाद जो यहां पर हम चौथा पॉइंट लेने जा रहे हैं वो आप ध्यान रखेंगे, यहां पर ड्राई HCl की उपस्थिति में की प्रेजेंस में एल्कोहल के साथ रिएक्शन के साथ अभिक्रिया के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो शुष्क HCl की उपस्थिति में एल्कोहल के साथ क्रिया करके, ये तो यहां पे क्या करते हैं, एसीटल का निर्माण करते हैं। ये कौन करते हैं, ये तो बनाते हैं कौन, एल्डिहाइड। लेकिन कीटोन के बारे में ध्यान रखेंगे कि जो कीटोन होते हैं वे आसानी से कीटल निर्मित नहीं करते, यानी जो कीटोन होते हैं वो इजीली आसानी से कीटल का निर्माण नहीं करते, लेकिन जो एल्डिहाइड होते हैं वो आसानी से एसीटल निर्माण करते हैं। इसके बाद यहां पर हम पांचवा पॉइंट लेने जा रहे हैं जिसका नाम है सिफ रिएजेंट, सिफ अभिकर्मक के साथ रिएक्शन, सिफ रिएजेंट के साथ अभिक्रिया। और एक बात आप जानते हैं कि जो सिफ अभिकर्मक होता है ये स्वयं होता है कलरलेस, रंगहीन होता है, और जो एल्डिहाइड होते हैं वो तो सिर्फ अभिकर्मक के साथ क्या देते हैं, ये तो देते हैं गुलाबी रंग
देते हैं, यानी ये पिंक कलर देंगे एडिहाइड, यानी जब एडिहाइड में आप मिलाओगे सिर्फ अभिकर्मक को, तो एडिहाइड सिर्फ अभिकर्मक के साथ क्रिया करके पिंक कलर गुलाबी रंग देंगे। लेकिन जो कीटोन होते हैं उसमें आप ध्यान रखेंगे नो रिएक्शन, कीटोन जो होते हैं वे कोई क्रिया नहीं दर्शाते। तो इसके आधार पर भी हम करते क्या है, एडिहाइड और कीटोन में हम प्रैक्टिकली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, विभेद कर लेते हैं। इसके बाद जो यहाँ अगला पॉइंट हम लेने जा रहे हैं वो देखिए आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ लिया मैंने NaOH प्लस सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड, नाम ध्यान रखेंगे आप इसका, यहां क्या लिया आपने NaOH प्लस सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड के साथ हम बात करेंगे रिएक्शन के बारे में। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि NaOH प्लस सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड के साथ जो एल्डिहाइड होते हैं वे नो रिएक्शन, यानी एल्डिहाइड कोई भी क्रिया नहीं दर्शाते NaOH प्लस सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड के साथ। लेकिन जो कीटोन होते हैं वे यहां पर आप ध्यान रखेंगे ये क्या देंगे यहां पर रेड कलर देते हैं, यानी जो कीटोन होंगे वो NaOH प्लस सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड के साथ क्रिया करके रेड कलर लाल रंग दर्शाते हैं, कीटोन ये टेस्ट दर्शाएंगे लेकिन जो एडिहाइड होंगे वे टेस्ट को नहीं दर्शाएंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे सात नंबर हम लेने जा रहे हैं यहां पर NaOH प्लस मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन, यानी जब आप यहां पर NaOH की उपस्थिति में मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे ये जो रिएक्शन होगा टेस्ट, ये जो एडिहाइड होंगे वे तो इसको नहीं दर्शाएंगे, नो रिएक्शन कोई क्रिया नहीं दर्शाते एडिहाइड। लेकिन जो कीटोन होते हैं वो आप ध्यान रखेंगे कि NaOH प्लस मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन के साथ क्रिया करके ये यहां देंगे क्या लाल बैंगनी रंग देते हैं, रेड वायलेट कलर दर्शाते हैं। ये टेस्ट भी केवल कीटोन दर्शाते हैं, एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं दर्शाते। अगला यहां पर हम ले रहे हैं रिएक्शन विद NaOH, तो उसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो तो ब्राउन रेजिनस प्रोडक्ट निर्मित करते हैं बनाते हैं, लेकिन जो कीटोन होते हैं वे नो रिएक्शन इस क्रिया को नहीं दर्शाते। तो जितने मैंने आपको बताए हैं आठ, ये आठ यहां पे क्या है डिसिमिलरिटी है, भिन्नताएं हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। अब यहां पर हम बात करेंगे एल्डिहाइड व कीटोन में समानता के बारे में, सिमिलरिटी बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो दोनों में ही प्रेजेंट होता है कार्बोनिल, जो समूह है कार्बोनिल ग्रुप है ये प्रेजेंट होता है। ये ग्रुप होता क्या है, ये होता है कार्बोनिल समूह। आपको मैंने बताया चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो उन दोनों में ही ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, और क्योंकि ये ग्रुप प्रेजेंट होगा इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों ही यहां पर आप ध्यान रखेंगे एक तो दर्शाते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को दर्शाते हैं,
और दूसरी दर्शाते हैं कौन सी रिएक्शन नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन इन दोनों ही रिएक्शन को दर्शाते हैं कौन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही क्यों दर्शाते हैं क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है प्रेजेंट होता है और इन दोनों रिएक्शन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड व कीटोन के उपयोग के बारे में यूनिट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन और यहां हमने सबसे पहले कंपाउंड लिया है फॉर्मेल्डिहाइड और जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसका फॉर्मूला होता है HCHO। तो जो सबसे बड़ा यूनिट आप देखिए पहला उपयोग ये है कि फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड नोन एज फॉर्मेलिन और जो ये फॉर्मेलिन है उसका यूज डेड एनिमल बॉडी के प्रिजर्वेशन में यानी जो मृत जो जीव जंतु हैं उनकी बॉडी को प्रिजर्व करने में यानी बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस के रूप में इनका उपयोग किया जाता है बायोलॉजिकल जो स्पेसिमेंस हैं उनको प्रिजर्व करने में उनको परिरक्षित करने में और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि फॉर्मेलिन होता क्या है इसका उपयोग क्या है तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दूसरा यूज आप ध्यान रखेंगे कि जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसका यूज हम करते हैं कीटाणु नाशक के रूप में एज ए इंसेक्टिसाइड। तीसरा आप ध्यान रखेंगे कि जो सिंथेटिक रेजिन होते हैं कृत्रिम रेजिन तथा जो बैकलाइट प्लास्टिक है यह हम कहते हैं एक और होता है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के निर्माण में भी फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। और अगला ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर जो फॉर्मेल्डिहाइड है इससे हम निर्माण करते हैं यूरोट्रोपिन का और जो ये यूरोट्रोपिन होता है इसका यूज करते हैं मूत्र रोग औषधि के रूप में मेडिसिन फॉर यूरोलॉजिकल डिजीज के रूप में इसका यूज किया जाता है यूरोट्रोपिन का जिसका निर्माण करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ क्रिया द्वारा। और ये भी आप यहाँ ध्यान रखेंगे इससे हम करते क्या है इंडिको और जो रोजेनिलीन डाइज है रंजक है वो भी हम निर्मित करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो सेकंड हम ले रहे कंपाउंड उस कंपाउंड का नाम है एसीटाल्डिहाइड और जो ये एसीटाल्डिहाइड है इसका फॉर्मूला होता है Ca3CHO। तो सबसे पहला यूज क्या है जो एसीटाल्डिहाइड है इसका उपयोग किया जाता है रंजक और रेजिन यानी डाइस और पॉलीमर को बनाने में और दूसरा इसका उपयोग यह है कि जो एसिटिक एसिड होता है एसिटिक अम्ल होता है उसके कमर्शियल प्रोडक्शन में औद्योगिक निर्माण में भी इसको हम काम में लेते हैं। दूसरा उपयोग क्या है कि दर्पण के रजतीकरण में और बंद नाक खोलने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग क्या है कि जो औषधि है पैरा एल्डिहाइड के रूप में भी एसिड एल्डिहाइड को ही हम काम में लेते हैं और इसका जो चौथा उपयोग है वो है कि फिनोलिक रेजिन के निर्माण में तथा रबर त्वरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह हो गया आपके यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड के उपयोग और यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हम बात करेंगे कीटोन के बारे में तो जो कीटोन है पहला ध्यान रखेंगे आप कि जो प्रोपेनोन होता है प्रोपेनोन मींस एसीटोन जिसका फॉर्मूला होता है Ca3COCa3 प्रोपेनोन का उपयोग हम एसिटिलीन के भंडारण में किया जाता है। यह हो गया आपका पहला कीटोन का उपयोग। दूसरा क्या है कि यह सेल्यूलोज एसीटेट सेल्यूलोज नाइट्रेट और सेल्यूलॉइड रेजिन इत्यादि के लिए एज ए सॉल्वेंट
यानी विलायक के रूप में इसको उपयोग में हम लेते हैं, यानी एज ए सॉल्वेंट इसका उपयोग किया जाता है। किन किन के लिए? सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट और सेलुलॉइड रेजिन के लिए। तीसरा उपयोग क्या है? कीटीन के संश्लेषण में और औषधि के रूप में प्रयोग किए जाने वाले सल्फोनल, क्लोरेटॉन, क्लोरोफॉर्म और आयडोफॉर्म, इनको बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। और चौथा ध्यान रखेंगे कि नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में हम एसीटोन यानी प्रोपेनोन को काम में लेते हैं, यानी जो नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में एसीटोन काम आता है। और अगला उपयोग ध्यान रखेंगे कि जो सिंथेटिक रबर है, संश्लेषित रबर है, उसको बनाने में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में कीटोन का उपयोग किया जाता है। ये हो गया आपके कीटोन के उपयोग, और जो टॉपिक है अपना एडिहाइड और कीटोन के उपयोग, ये हो गया अपना कंप्लीट। धन्यवाद।